अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। पट्टी वाला गला जिसको कहते हैं, वो हम आसान तरीके से बनाएंगे और फिर हम उस पर शीशों की लैस लगाएंगे। उसके साथ हम गले के साथ, पट्टी के साथ हम वो लैस लगाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके लिए हमने गोल गले की कटिंग की है 6 इंच, जो हमने लंबाई ली है गले की वो, और जो हमने इसकी चौड़ाई ली है वो हमने 7 इंच पे ली है। फ्यूज़म पे हमने ये गला कटिंग किया है। एक इंच की हमने पट्टी ली है चौड़ी, चौड़ाई में हमने 1 इंच लिया है जो हम पट्टी गले पे लगाएंगे, और 11 इंच की हमने इस पट्टी की लंबाई ली है। 2 इंच का हमने कपड़ा लिया है जिस पे हमने पट्टी को लगाना है। 2 इंच का हमने चौड़ाई में कपड़ा ले लिया है। लंबाई हमारी कपड़े की जो है वो 12.5 इंच है। कपड़े पे अब सबसे पहले हमने पट्टी को बना लेना है। जो फ्यूज़म से हमने काटी है वो वाली पट्टी हमने कपड़े पे जो है वो इस्त्री से लगा लेनी है, दरमियान में रख के। इस तरह से आपने पहले पट्टी को तैयार कर लेना है। अब हमने कमीज़ की फ्रंट पे हमने गले को लगा लेना है इस्त्री के साथ। कमीज़ को हमने सेंटर करके हमने उसको इस्त्री किया है। इसी तरह हमने गले का सेंटर करके वो कमीज़ के सेंटर पे रख के इस तरह से हमने इसको इस्त्री के साथ लगाना है। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट्स दिया करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले जो हमारी सेंटर की हमने इस्त्री के साथ लाइन लगाई है उस पर हमने ये पट्टी रख के हमने इसको सिलाई करना है। सबसे पहले पट्टी को, ये जो हमने फोल्ड किया हुआ है ये हमने इस तरह से यहाँ पे हमने बिल्कुल सेंटर पे रखना है। सेंटर पे पट्टी की सेंटर और कमीज़ की सेंटर को हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। इसके ऊपर ऊपर से हमने शुरू करना है, जहाँ पर हमने गला लगाया था कपड़े पर वहाँ से हमने इसकी सिलाई शुरू करनी है। पट्टी वाला गला दूसरी तरह भी बनता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर लैस वगैरह लगानी हो या कोई डिज़ाइनिंग करनी हो तो ये वाली पट्टी बहुत आसान तरीके से लग जाती है और प्यारी भी लगती है। अब हमने ये एक सिंपल कपड़ा लिया जो हम गले के नीचे रख के इस तरह से रख के हमने इस पर सिलाई लगानी है। किनारे से आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल फ्यूज़म के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, फ्यूज़म के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये देखें, ये जो पट्टी हमने लगाई है वो अंदर आ जाएगी, यहाँ पे सिलाई लगेगी उसके।
ये जो दरमियान का कपड़ा है ये आपने फ्यूज़न के साथ साथ कटिंग कर देना है, थोड़ा सा कपड़ा रख के बाकी सारा कपड़ा कटिंग कर देना है। इस तरह से कट लगा लें ताकि सफाई के साथ ही गला पलट जाए। ये देखें ये पट्टी अंदर आ गई है इस तरह से। अब इसको इस्त्री करना है। इस्त्री करने के बाद यहाँ से जो फालतू कपड़ा है उसकी कटिंग करके हमने इस पर तरपाई करनी है। अब ये अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे तरपाई करनी है इसके। तरपाई करने के बाद ये हमने लैस ली है, शीशों वाली लैस है ये। इस तरह से हमने इसको लगाना है साइड पे गले पे और पट्टी के साइड साइड पे हमने इसको लगाना है। ये इस्त्री से लग जाती है लेकिन इसके बावजूद हमने ये सुई के साथ लगानी है और फिर उसके बाद इस्त्री भी कर लेनी है। इस तरह से हमने इनके दरमियान में सुई के साथ लगानी है ये लैस। गले के बिल्कुल साथ साथ रख के गुलाई के साथ जिस तरह गले की गुलाई है उसी तरह लैस की गुलाई करते जाएं और टांका आपने जो सुई से लगाना है वो इस तरह से दरमियान में लगाना है। ये देखें पूरे गले पे हमने लैस लगा लिया, पट्टी के साइड साइड पे दोनों साइड पे और दोनों साइड गले पे। अब जो ये जो पट्टी के दरमियान वाली जगह है अब हमने इस पे बटन लगाने हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है तैयार होने के बाद। ये देखें बटन हमने लगा लिया, गला हमारा तैयार हो गया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।